Hi, today is 26th of August 2020. This is set 14, 25 MCQs in 30 minutes. First section है, this is about polity. Polity में fundamental rights है, right to equality है. ऐसा ही एक article होता है, right to this equality, article number 14. Article 14 में कुछ exemptions दिए गए हैं. Which of the following statements regarding the exemption from the application of Article 14 is correct. Pehla, ambassadors, envoys, jo foreign countries ke hote hain, unko immunity milti hai from civil or criminal proceedings se. Ambassador and envoy, foreign country, immunity. Second statement hai, no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in respect of the publication of substantially true report of any proceedings of the parliament. जैसे सुप्रीम कोर्ट में contempt of court होता है, हाई कोर्ट में होता है, वैसे पार्लियामेंट को भी अगर स्कैंडलाइज करने की कोशिश है तो पार्लियामेंट भी आप पे एक्शन ले सकती है, बट अगर ट्रू रिपोर्ट है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनीथिंग डन और सेड विद इन द हाउस. हम अक्सर देखते हैं लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स कुछ भी बोलते हैं उसके लिए उनको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता है. Then fourth is any law giving effect to certain directives as per Article 31C. ये Article 31C लाया ही इसलिए गया था कि ये जो fundamental rights के कुछ provisions हैं उनको ये overcome कर सके. तो ये correct है. इनमें से correct code क्या होगा? So the right answer is this A. This is true. Article 14 यहाँ पे exemption है. This ambassador and envoy को सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पे अगर पार्लियामेंट का ट्रू रिपोर्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं सेड एंड डन विद इन द हाउस और 31C के ऊपर दिस आर्टिकल 14 आता है. ऐसे ही DPSP में होते हैं 39B और 39C. ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. ये दोनों भी दिस फंडामेंटल राइट्स में दिस के ऊपर होते हैं, ये 39B एंड 39C. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. खुद ही आपने बता दिया, गवाही दे दिया एट्सेट्रा. सो डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इनेक्टेड है आर्टिकल 23 में. इसका क्या मतलब है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट अदर. अब ये तो लग ही रहा है ये बोगस है. नो एडवोकेट accused of an offence can be compelled to give evidence against himself. यहाँ specifically advocate के बारे में बात किया है, तो this is also wrong. No person accused of an offence can be judged against himself. खुद के against judge नहीं होगा. No, this is about witness. So the right answer is this A. This A is the right answer. Doctrine of self-incrimination, this under Article 23. अब ये number 3 है. The words प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ है. हमारे यहाँ सबको राइट टू लाइफ मिला है, बट ये जो राइट टू लाइफ है अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स है तो ये राइट टू लाइफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू लिया भी जा सकता है, जैसे कि होता है दिस कैपिटल पनिशमेंट. तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड. जो लॉ है वो पूरा जो प्रोसेस है, हमने अगर प्रोसेस फॉलो किया है तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है. लाइक नियम बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट है तो पहले प्रॉपर कोर्ट हियरिंग होगा, कोर्ट हियरिंग होगा देन फिर अपील का प्रोविजन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, देन फिर प्रेसिडेंट के पास मर्सी प्ली भी है. तो ये पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है आर्टिकल 21. प्रोसीजर लेड डाउन और इनेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. किसी अथॉरिटी ने एक प्रोसीजर लिख दिया है, वो उसको फॉलो करना है. द सेम थिंग एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग. अ लॉ विच इज रीजनेबल फेयर एंड जस्ट, वो मतलब लॉजिकल है, रीजनेबल है, फेयर एंड जस्ट है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज ए. कि जो प्रोसेस है, नियम जो लिखे गए हैं, वो नियम कानून प्रोसीजर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है तो राइट टू लाइफ को भी दिस हम ले सकते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से. सो द राइट आंसर इज दिस ए. देन दिस इज नंबर 4. नंबर 4, द स्टेट लेजिस्लेचर. एक होता है दिस पार्लियामेंट और दूसरे होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर.
तो जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं डू नॉट हैव द पावर टू मेक लॉ, इनके पास पावर नहीं है लॉ बनाने का, कहाँ पे? आर्टिकल 16(3) में, 32(3) में, 33 में, 34 में. सो कुछ ऐसे लॉज होंगे जिनमें केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट कर सकती है, स्टेट को वो पावर नहीं है. तो इसका राइट आंसर होगा दिस सी इज़ द राइट आंसर, मतलब आर्टिकल 16(3), 32(3), 33, 34. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज दिस नंबर 5. ये होते हैं रिट्स. रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जो रिट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ देम. हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस क्या होता है? क्विकली मैच द फॉलोइंग. हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो. ये जो रिट्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट को और दिस हाई कोर्ट को, इनको ये रहते हैं ताकि ये फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको इंश्योर कर सकें. सो दीज आर सर्टेन रिट्स. इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस बी. बी मीन्स दिस हेबियस कॉर्पस इज ब्रिंग द बॉडी. कॉर्पस ब्रिंग द बॉडी, सो दैट इज दिस 5. देन मैंडेमस का मतलब होता है एनफोर्सिंग ऑफिशियल ड्यूटी. प्रोहिबिशन का मतलब होता है दिस ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अगर हाई कोर्ट देख रही है लोअर कोर्ट के वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है तो उसको स्टॉप करने का ट्राई करेगी. क्वो वारंटो. क्वो वारंटो का मतलब होता है दिस लीगैलिटी ऑफ क्लेम टू ऑफिस, मतलब किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे इस ऑफिस की पोस्ट पे हो. सो दैट इज दिस क्वो वारंटो, दैट इज लीगैलिटी ऑफ क्लेम टू ऑफिस. सो द राइट आंसर इज दिस बी. 5, 4, 3, and 2. हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिस्ट्री का. चैत्र 1 ये नेशनल कैलेंडर होता है बेस्ड ऑन साका एरा. चैत्र 1 नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा. ये करस्पॉन्ड करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इन अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज. ग्रेगोरियन कैलेंडर जो दिस जनवरी फेब्रवरी, दिस इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, और साका एरा होता है इसके मंथ्स होते हैं, ये नेशनल कैलेंडर है. तो किस दिन पे ये करस्पॉन्ड होता है दिस नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज में? सो द राइट आंसर इज दिस 22nd मार्च और 21st ऑफ मार्च. ये जो साका एरा है ये कितना आगे है ग्रेगोरियन ईयर दिस कैलेंडर से? सो द राइट आंसर इज दिस ए. 22nd ऑफ मार्च 21st ऑफ मार्च को ये करस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट ये थ्योरी होती है, हमने पढ़ा था ऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं. एक उनमें से थ्योरी होती है जो बोलती है लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव वेल इवन बाय बोरोविंग फॉर वंस क्रिमेटेड देर इज नो रिटर्न. मतलब खाओ पियो अभी सब जो है प्रेजेंट है, फ्यूचर कुछ नहीं होता है. वंस यू आर डेड यू आर डेड. द रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन अफोरिज्म ऑफ द. तो ये आफ्टर लाइफ नहीं, जो है अभी प्रेजेंट है यहीं पे करना है. तो ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है. तो ये जो थ्योरी है ये किस स्कूल ऑफ फिलोसफी में आती है? दिस इज दिस चारवाक. चारवाक बोलते हैं दिस प्रेजेंट डे मटेरियलिस्टिक, अभी हमें सब कुछ करना है, देर इज नो आफ्टर लाइफ एंड ऑल. सो दिस इज चारवाक डी. देन ये नंबर 8 है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 काफ़ी इंपॉर्टेंट था. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने प्रमोट किया मॉडर्न साइंसेज इन द कंट्री, एजुकेशन मॉडर्न साइंसेज इन द कंट्री. मैकॉले का जो मिनट है, मैकॉले मिनट, मिनट मतलब मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स, मैकॉले मिनट, मैकॉले मिनट लेड टू प्रमोशन ऑफ मास एजुकेशन. इससे मास एजुकेशन, वाइड स्केल एजुकेशन को प्रमोशन मिला. हंटर एजुकेशन कमीशन है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, हंटर एजुकेशन कमीशन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस सी. वाई सी? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट बताना है, इज आर इनकरेक्ट. अब 2 and 3 आर इनकरेक्ट बिकॉज ये मैकॉले मिनट था, ये मास एजुकेशन नहीं था, इसमें इंग्लिश बायस था. तो अक्सर हम सेटायर में देखते हैं मैकॉले पुत्र ऐसे करके बोलता है, सन मैकॉले सन. वाई? बिकॉज मास एजुकेशन नहीं था, ये इलीट जो था इसमें बायस था, इंग्लिश बायस था मैकॉले मिनट में. हंटर एजुकेशन इज नॉट राइट, दैट इज दिस वुड्स डिस्पैच है जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, एंड दिस इज राइट. सो इनकरेक्ट पूछा है तो सी, 2 and 3. Then this is number 9. With reference to East India Association founded in London, Indian National Congress बना था, but इसके पहले बहुत सारी different bodies भी बनी थी. तो एक body थी East India Association founded in London.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था ये फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी ये सुपरसीडेड बाय लंदन इंडियन सोसाइटी होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी दैट हैड इट्स मेन गोल आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। अब हमें पता है कि ये जो दौर था वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तो थे नहीं, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग, मतलब दिस सी इज थ्री दिस इज रॉन्ग, तो दिस इज़ गॉन दिस इज़ गॉन। अब इसमें से करेक्ट बताना है वन ओनली या टू ओनली, या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। अब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये सुपरसीडेड बाय लंदन इंडियन सोसाइटी था, तो दिस इज़ रॉन्ग। बट जो फर्स्ट है ये गलत है, बिकॉज ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, ये दादा भाई है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, सी इज़ द राइट आंसर, टू ओनली इज़ द राइट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। ये नंबर 10 है, गौतम बुद्धा बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिपिक्शन ऑफ द स्टोन्स ऑफ द प्रीवियस लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा वॉज फर्स्ट डन इन द आर्ट ऑफ, अगेन NCERT जो क्लास 11th आर्ट बुक है, एक्सट्रीमली गुड बुक, उसमें ये सारे कंटेंट दिए हुए हैं। गौतम बुद्धा वॉज फर्स्ट डन इन द आर्ट ऑफ, तो जो बुद्धा है उनको ये दिखाया जाता था डिफरेंट आर्ट फॉर्म में, सबसे पहले जो ऐसा दिखाने का प्रोविजन था वो है दिस भरूच स्तूपा में, भरूच स्तूपा में सबसे पहले गौतम बुद्धा को स्टोन्स के प्रीवियस लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा ये पहले यहाँ पे डिपिक्ट किया है स्टोन्स के थ्रू, सो दिस इज बी। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं 5। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी, दिस इज ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू धारवार सिस्टम ऑफ रॉक, जियोलॉजी हम पढ़ते हैं, रॉक्स होती है, तो ये होती है धारवार सिस्टम ऑफ रॉक। तो दीज रॉक्स बिलोंग टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है, अगेन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं ये धारवार, धारवार एक जगह भी है कर्नाटका, वहाँ पे ये रॉक्स मिलती हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। दे आर मेनली इग्नियस इन ओरिजिन, अब ये क्या इग्नियस है, दीज आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम ओर, तो ये तो ट्रू है, आयरन एंड मैंगनीज जो है, आयरन एंड मैंगनीज ओर्स हैं, दिस इज ट्रू। अब ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं क्या ये इग्नियस इन ओरिजिन है, तो ये इग्नियस ओरिजिन नहीं होता है, जो धारवार रॉक होती है दे आर सेडिमेंट्री, सो टू इज़ रॉन्ग, टू इज़ रॉन्ग, सो द राइट आंसर इज दिस 1 and 3, आर्केयन प्री कैम्ब्रियन है और ये आयरन एंड मैंगनीज भी है, तो द राइट आंसर इज दिस 1 and 3, धारवार सिस्टम ऑफ रॉक। ये सवाल है अबाउट ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं, तो ब्लैक कार्बन इज द सूटी ब्लैक मटेरियल एमिटेड फ्रॉम गैस एंड डीजल इंजन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज दैट बर्न फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना दीज आर कॉल्ड ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन हैज़ एन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 100 years, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होता है आर्कटिक में और इससे इंक्रीज होता है अर्थ का एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द वार्मिंग रेज ऑफ द सन, अगेन NCERT, हमने एक टर्म पढ़ा था अल्बिडो, अल्बिडो में हमें पता है जो स्नो होता है वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा करती है सनलाइट का और जो ब्लैक होता है वो नहीं करता है, दैट इज़ वाई समर में हम ब्लैक कपड़े अवॉइड करते हैं बिकॉज बहुत गर्मी लगती है, वाइट इज़ गुड, वाइट से कूल होता है। तो अगर ये ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होगा आर्कटिक में जहाँ पे स्नो है तो अर्थ का एबिलिटी बढ़ जाएगा रिफ्लेक्ट, नो ये तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सो 3 इज़ रॉन्ग, मीन्स दिस इज़ गॉन दिस इज़ गॉन, 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, दिस इज़ ट्रू। अब हमें केवल एक इस स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्लैक जो कार्बन है ये ऐसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये हवा में ऐसे तैर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो 100 साल तक हवा में ऐसे तैरते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सो दिस इज बी ओनली, दैट इज बी। सो दिस इज़ द वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस सारे MCQs में, दिस इज़ द वे, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना बहुत नॉलेज होता है बट प्रिलिम्स में स्ट्रगल करते हैं, वाई, बिकॉज हमें ये ऐसे अलर्ट होके यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी होता है, नॉलेज होता है वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए दिस MCQ सॉल्विंग दिस स्टाइल में, सो दिस इज ब्लैक कार्बन, करेक्ट। अब ये है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में है, शब्दों में हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल थॉर्न मतलब कांटे लगे हैं और ये फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है अकर इन द एरिया जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 50 cm है। थॉर्न तो बनते ही तब हैं जब पानी की कमी होती है, वेजिटेटिव दिस एडेप्टेशन होता है,
इन दीज फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बिकॉज जो लीफ है यहाँ से वाटर लॉस होता है तो लीफलेस रहेंगे, तो यहाँ पे ये पानी का जो कमी है वो हम ज़्यादा लॉस होगा नहीं। इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं यहाँ पे महुआ, आमला, सेमल, कुसुम। नाउ दिस इज रॉन्ग, ये कैसे हो सकता है, इनमें थॉर्न्स एंड ऑल नहीं होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट नहीं है ये, आमला, सेमल एंड कुसुम एंड महुआ। सो द राइट आंसर इज दिस ए, वन एंड टू, दिस इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग। अब मेरे को थ्री पता है रॉन्ग है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एक स्टेटमेंट के हिसाब से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो दिस इज ए। देन दिस इज 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट, ऑलवेज पे अटेंशन, नॉट है या नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। एक सिली मिस्टेक होती है वो 2.66 कॉस्ट होती है, दो तीन मिस्टेक हो गई तो वो 8 से 10 नंबर हो गई, 9800 कट ऑफ जाएगा, मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्कोरिंग अराउंड 90। ये जो सिली मिस्टेक्स हैं यही डिफ्रेंशिएट करेगा सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। तो नॉट करेक्टली मैच लिखा है, दिस इज लोकल विंड्स होती हैं ये, फोएन। ये विंड कहाँ पे होती है, वार्म ड्राई विंड्स मूविंग डाउन द एल्प, एल्प्स में है ये। मिस्ट्रल कहाँ पे होती है, कोल्ड विंड है ब्लोइंग फ्रॉम एल्प्स ओवर फ्रांस में आती है, ठंडी हवा होती है। विंड कोल्ड भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है। सेंटा एना वार्म ड्राई विंड है मूविंग डाउन अपलेचियन। अब जैसे ये यूएसए है तो अपलेचियन तो यहाँ का ही है और सेंटा एना है कैलिफोर्निया में, ये बोरा है। कोल्ड विंड्स एक्सपीरियंस अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, तो ये कोल्ड भी है, लोकेशन भी है। यहाँ दो चीज़ देखना है कि कोल्ड या हॉट है और उसका लोकेशन। तो जो सेंटा एना है ये जो विंड होती है ये वार्म है, ऐसे नीचे की तरफ उतरती है, वार्म ड्राई हो जाती है, बट ये अपलेचियन में नहीं होती। सो नॉट करेक्टली मैच्ड में आंसर हो जाएगा सी, सो दिस इज द सी। अब ये है द अप्रोच दैट सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्ट अकॉर्डिंग टू रिटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली इज टर्म्ड एज। एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं, एथिक्स के टाइप्स होते हैं कि जो चीज़ का हमें डिस्टेंट का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो एक्सप्लेन करना चाहिए, प्रेजेंट चीज़ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए सर्टेन थिंग्स का। तो इकोलॉजिकल, रीजनल, टेलियोलॉजिकल और लोकेशनल। सो द राइट आंसर इज दिस टेलियोलॉजिकल। ये ज्योग्राफी में इन्होंने बताया था कि कुछ फैक्ट्स हैं ना, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी तरफ ये हेड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली, तो दे आर दिस टेलियोलॉजिकल, दिस सिस्टम ज्योग्राफिकल फैक्ट में रिटर, तो द आंसर इज दिस सी। सो ये ज्योग्राफी था। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो चीज़ होती है समथिंग, उससे हमें एसेट है, इन्वेस्टमेंट है समथिंग, और उससे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सोशल कैपिटल में इसमें से क्या कंसिडर्ड होगा। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने लिटरेट्स हैं, लिटरेट्स हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये सारे कैपिटल्स होते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमनी इन द सोसाइटी, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज दिस डी। वाई डी, बिकॉज जब सोसाइटी में हारमनी है, ट्रस्ट है, पीस है, तो ये कहलाता है पीस डिविडेंड। पीस डिविडेंड मतलब इफ देर इज पीस, ऑर्डर है, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो रैपिडली, फास्टली। सो द आंसर इज दिस डी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनीज बनती है, उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं LLP, तो नॉट लिखा है यहाँ पे। पार्टनर्स शुड बी लेस देन 20, पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट, दोनों एक हो सकते हैं। इंटरनल गवर्नेंस में बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट अमंग पार्टनर, जो गवर्नेंस होती है कंपनी की वो म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू होगा। इट इज़ कॉरपोरेट बॉडी विद परपैचुअल सक्सेशन, जैसे चल रहा है सक्सेशन, कॉरपोरेट बॉडी की तरह ये वर्क करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस ए। ये 20 नहीं होता है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है वो दो मेंबर भी बना सकते हैं, 1 and 2, सो दिस कुड बी 2, नॉट 20। सो द राइट आंसर इज दिस ए। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमने पेमेंट हो रहा है फिर हमें पैसा वापस भी मिल रहा है, ट्रेड वगैरह सारा,
तो ये सारा चीज़ होता है, दिस पेमेंट साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ओवरऑल जो पैसा होता है वो तो कांस्टेंट होता है, बट वो ऐसे सर्कुलेट होता है। हमने सब पेमेंट किया, उसके बदले में हमने सब सामान खरीदा। तो यही इसी टाइप का एक क्राइसिस आया था 1991 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इम्पोर्ट कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। दैट इज़ कॉल्ड दिस BOP क्राइसिस। अब BOP समटाइम्स बैक इन्फोग्राफिक में हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था। BOP हैव अ लुक नोट्स में। ये कैपिटल अकाउंट इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट इन BOP, कैपिटल अकाउंट है। सो कैपिटल अकाउंट में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होगा, मतलब समथिंग कमिंग, दिस रिसीट्स आर कमिंग, दिस इज ट्रू। इंटरनेशनल ट्रेड का क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें बुला सकते हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड क्रेडिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो वो भी हमारे यहाँ दिस कैपिटल अकाउंट में आएगा, दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और जो सिक्योरिटी परचेज होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन दिस कैपिटल अकाउंट इन BOP। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ दिस सी। हैव अ लुक एट नोट्स। नोट्स में ये बहुत अच्छा एक इन्फोग्राफिक था जिसमें कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सारे के पूरा कॉन्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स सारे बहुत डिटेल में दिए हैं। कैपिटल अकाउंट इन BOP, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है इंडिया में, हम पेट्रोल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हमारा, बट ये फ्यूल हमारा अभी इम्पोर्ट कम हो गया है। वाई? बिकॉज लॉकडाउन के कारण डिमांड, तो यहाँ हमारा अभी बेनिफिट्स आ रहे हैं, सरप्लस आ रहा है इस चीज़ में, पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ नंबर 18। ये है रिगार्डिंग करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट, करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट, ये भी न्यूज़ में रहता है, जापान, श्रीलंका। सो इट इज़ यूज टू ऑप्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट। फॉरेन करेंसी जो है उस करेंसी का लोन हमें मिल जाएगा चीपर इंटरेस्ट रेट पे। इससे जो एक्सचेंज रेट है रिस्क का वो कम हो जाएगा, मतलब हमने शील्ड कर लिया है, हेज कर लिया है एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन। लाइक डॉलर आज 70 है, कल 76, 80, इस एक्सचेंज रेट से हमने शील्ड कर लिया है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दिस सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नाउ हाउ? स्वाप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ सपोज, और USA में एक फ्रेंड है, से कैलिफोर्निया में, मुझे डॉलर का कुछ पैसे चाहिए, तो आई वुड से कि मेरे को $100 चाहिए, बट मैं यहाँ से लोन रेज करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे लगेंगे। वो अगर कंपनी या गवर्नमेंट $100 का एक किटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दे, मैं उसको अग्रीमेंट कर लूँ कि हम 75 रुपी पर डॉलर पे अग्री करते हैं, तो हमने एक यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया करेंसी का। इसमें हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अग्री कर लिया कि आफ्टर से 2 ईयर मैं $1 के आपको $2 दूंगा एट 75 रुपी पे। तो इससे क्या हुआ, अब ये 75 से 80 हो, 100 हो, डजेंट मैटर, 75 में ही आई विल रीपे प्रिंसिपल एंड दिस इंटरेस्ट का अग्रीमेंट। तो ये करेंसी हमने यहाँ पे स्वॉप कर लिया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस रूट, ये हमने कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में, इंस्टीट्यूशंस ने, या फिर से गवर्नमेंट ने, तो ऐसे वो करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट कर सकते हैं दो कंपनीज में। तो दिस इज़ द सिस्टम, करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट। ये तब ज़्यादा यूटिलिटी होती है जब हमें फॉरेन जो लोन है वो चीपर रेट में मिलना है, बिकॉज वो पर्सन जो USA का है वो वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, इजीली वहाँ का वो लोन ले सकता है, बट इफ़ आई गो एंड आस्क फॉर डॉलर मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट होता है, एक्सचेंज रेट एंड चीपर इंटरेस्ट रेट। अब ये है एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब दे आर पॉजिटिव्स। एडवांस अगर सपोज है, डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक में, डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है, तो इन सब में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसमें नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक क्या होगा? रिमेंबर, नॉट, एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा। एडवांस होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस होगा, बट जो डिपॉजिट्स हैं, तो डिपॉजिट्स तो होते हैं लायबिलिटी, मतलब जिस कस्टमर ने पैसे दिया है आपके यहाँ, डिपॉजिट किया है, ये आपकी लायबिलिटी है, इतना पैसा उसको वापस देना पड़ेगा, तो ये एसेट्स नहीं है, दे आर लायबिलिटी। सो द राइट आंसर इज दिस बी। सो ये इकोनॉमिक्स था। करंट अफेयर्स में ये है LASIK। LASIK काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है, अभी MKBHD ने भी LASIK कराया। सो LASIK जो है, प्रोसीजर इज बीइंग मेड पॉपुलर फॉर विजन करेक्शन, आईसाइट्स जो होती है इसके करेक्शन के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अगेन नॉट करेक्ट? यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट।
सी लसिक जो होता है, प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई. ये एक प्रोसीजर होता है जो परमानेंटली चेंज करता है शेप ऑफ द दिस कॉर्निया. ये रिड्यूस करता है पर्सन्स डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस. नाउ ये तो होगा ही होगा. इट इज़ अ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन द पर्सन ऑफ एनी एज. किसी भी एज के पर्सन के लसिक कर सकते हैं अपन. नाउ अब इसका जो इनकरेक्ट है वो है दिस डी. लसिक जो होता है ये डिपेंडेंट होता है दिस एज ऑफ अ पर्सन एंड ऑल पे, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है. एनी एज नहीं होगा, यहाँ पे एनी एज लिखा है. तो प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन द पर्सन ऑफ एनी एज, दिस इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जैसे मायोपिया होता है, हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है. सो इन सब चीज़ों में ये लसिक काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है. ये चश्मा नहीं लगाना पड़ता, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना नहीं पड़ता है और ये चेंज हो जाता है कॉर्निया में, ये प्रोसीजर चेंज हो जाता है. सो द राइट आंसर इज दिस डी. अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर. अभी न्यूज़ में था, ये है चेन्नई, ये है अंडमान, इसके बीच में ऑप्टिकल फाइबर का ये पूरा नेटवर्क लगाया था दिस कनेक्टिविटी के लिए. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ये एक लेयर होता है कॉल्ड द क्लैडिंग. ये ऐसे ऑप्टिकल फाइबर है, ये यहाँ पे इसके चारों तरफ एक मेन है, देन यहाँ पे एक क्लैडिंग है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द कोर. बीच में जो कोर है उससे जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है सराउंड द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. लाइट इज प्रोपोगेटेड इन एन ऑप्टिकल फाइबर बाय रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या होता है, जो कोर होता है और ये जो क्लैडिंग होती है, तो ये यहाँ उल्टा लिखा है कि जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. नो, ये हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जब मूव होता है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दिस इनसाइड. जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा क्रॉस करेगा तो ये TIR हो जाएगा और जो रेज हैं वो ऑप्टिकल ऐसे ट्रैवल करने लग जाएंगे, वो इस कोर के बाहर नहीं जाएंगे, क्लैडिंग उसको स्टॉप कर देगा. सो इस तरीके से काफ़ी स्पीड में ये कनेक्शन पॉसिबल होता है, लाइट स्पीड में ट्रांसमिशन होता है डेटा का. सो द राइट आंसर इज दिस बी. बी मीन्स दिस. इसमें ये ऑप्शंस जंप हो गए, दिस इज बी, टू ओनली इज बी और जो सी है ये ऊपर वाला था, बोथ वन एंड टू. सो दिस इज बी, बी मतलब टू ओनली, दिस इज टू और ये जो है दैट इज रॉन्ग. सो द बी इज द राइट आंसर. नाउ नंबर 23. आज हमने पढ़ा ये जो हमारा शिप है ये अभी अलंग जा रहा है और यहाँ पे ये डिसमेंटल हो जाएगा. ये जो शिप है दैट इज़ विराट, एयरक्राफ्ट कैरियर. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूज़ में हमने डिस्कस किया इसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीड किया था, रेटिफाई किया था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन. ये ईयर के स्टार्ट में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स. बिकॉज शिप्स होती हैं, ये भी हैजार्डस होती हैं, तो रिसाइकलिंग और दिस डिसमेंटल करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए. इसके लिए ये है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन. ये कन्वेंशन अडॉप्टेड अंडर द एजेस ऑफ, ये किसके अंदर ये कन्वेंशन अडॉप्टेड है, अभी इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है. सो द राइट आंसर इज ये सीबेट अथॉरिटी के अंदर है, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम. सो द राइट आंसर इज दिस बी, दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बॉडी है. नाउ विद रेफरेंस टू स्वदेश दर्शन स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्वदेश दर्शन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है इसमें. स्वदेश दर्पण दर्शन में दिस इज़ अबाउट एनकरेजिंग पीपल टू गो एंड विजिट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस. तो इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. एंटायर स्कीम इज़ बेस्ड ऑन थीम बेस्ड टूरिज्म. थीम सर्किट्स यहाँ पे बना रखे हैं. यहाँ बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. दिस इज़ ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है. सो द राइट आंसर इज ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है दिस इज रॉन्ग, दिस इज टूरिज्म मिनिस्ट्री. स्वदेश दर्शन इज अंडर टूरिज्म मिनिस्ट्री. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें बहुत सारे थीम बेस्ड टूरिज्म हमने बनाए, अराउंड 15 हैं ये थीम बेस्ड सर्किट्स बनाए हैं हमने. ये थीम बेस्ड सर्किट यू शुड नो. सो दिस इज होमवर्क फॉर टूडे, नो अबाउट दिस थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स. दिस टूरिज्म सर्किट्स ऐसे अलग अलग इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, नेचर से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है एंड ऑल. सो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स हैं. सो द राइट आंसर इज दिस बी, दैट इज दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. बी इज द राइट आंसर, टू एंड थ्री.
ये बात है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MAB कवर इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरिया ईच नोन एज बायोस्फेयर रिजर्व। यहाँ होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, बैलेंस्ड रिलेशनशिप करना बिटवीन पीपल एंड नेचर, मतलब हारमोनी में लाना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फेयर रिजर्व्स इज आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व्स इन इंडिया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अभी नया ट्रेंड है कि एक बहुत बड़ा इनिशियली एक पैसेज दे देते हैं, तो दैट इज़ वाई रीडिंग जो होता है वो बहुत क्विक होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स शुड बी क्विक। जितना जल्दी हम पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा, एंड प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट टाइम, तो क्विकली अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो नेटवर्क में है? गल्फ ऑफ मन्नार कोल डेजर्ट बायोस्फेयर रिजर्व, सिमलीपाल, पन्ना, अगस्त्यमलाई बायोस्फेयर रिजर्व। करेक्ट कोड बताइए इन सब में जो इन नेटवर्क में है, दिस यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व में। सो द राइट आंसर इज दिस बी, 1, 3 and 5। गल्फ ऑफ मन्नार है, सिमलीपाल है और अगस्त्यमलाई है, पन्ना नहीं है और दिस कोल्ड डेजर्ट भी नहीं है। लुक एट दिस मैप, ये वर्ल्ड नेटवर्क है। नंदा देवी है, नोकरेक है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है, पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्त्यमलाई। तो 11 ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये पार्ट हैं दिस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में। नो दीज नेम, दीज आर दिस 11 नेम। सो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व था। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज 24 स्वदेश दर्शन। होमवर्क इज नो अबाउट दिस थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स। ये कितने थीम है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दीज आर रियली गुड। देन ये रिसेंटली हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये हमने इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन दिस डिसमेंटलिंग ऑफ शिप, ये है ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज अबाउट लसिक, ये है दिस एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, डिपॉजिट्स लाइबिलिटी होते हैं, करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट समझा हमने, दिस इज कैपिटल अकाउंट इन BOP, दिस इज अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, सोशल कैपिटल क्या होता है, पीस इज गुड, पीस होने से डिविडेंड आता है, इकोनॉमी राइज होती है। Then this is about Carl Ritter, this is teleological, not correctly matched है, ये Santa Ana, Appalachian में नहीं है ये। This is about tropical thorn forest, ये था black carbon, this is about Dharwar system of rock, ये Gautam Buddha life, this is about this East India Association, ये है Charter Act 1813, incorrect यहाँ पे statement बताना है। This is about Charvak philosophy, ये है this Gregorian calendar and Chaitra 1, ये था मैच द फॉलोइंग, दीज आर रिट्स, और ये है दिस इज अबाउट स्टेट को पावर नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इन सब चीज़ों में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड दिस इज अबाउट आर्टिकल 14। सो दिस इज 26th of August 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।